हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा 1000 के क्वेश्चन सीरीज, जो हमारा अभी सीरीज चल रहा है उसके अंदर MTS का नया पेपर। ओके, तो ये कौन सा पेपर है क्विकली देख लो। ये है 21 अगस्त 2019 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। ओके, तो एज यूजुअल हम लोग जो हमारा टाइमर सेट के क्वेश्चंस करते हैं, हम लोग उसी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपके लिए टाइमर सेट कर देता हूँ, यहाँ मार्क कर दिया। क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल है, अभी हम सॉल्व करेंगे क्विकली। ओके, तो पहला था कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखने का है। द वर्ड इज रेवरेंस। क्या है? रेवरेंस। ओके, तो REVERENCE, तो इसको देख लेना ना, ऐसी है, ऐसी है तो ये गलत हो जाएगा। ओके, REVER होना चाहिए था, तो यहाँ पे ई मिसिंग है, तो ये भी गलत होगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट वर्ड इज रेवरेंस। ओके, क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अभी। ओके, आई विल प्लेस इट हियर। यस, क्या है? टू क्लोज, टू कॉल। टू क्लोज, टू का मतलब होता है वेरी। ओके, वेरी क्लोज टू कॉल या फिर टू क्लोज टू कॉल, इसमें क्या हो गया? वेरी क्लोज टू हार्ट, नहीं। विनिंग अ कॉम्पिटिशन, ये भी गलत है। अ वेरी नैरो मार्जिन, यस। टू क्लोज टू कॉल मतलब कौन सा कॉल, किस चीज का कॉल है ये? कॉल मतलब विक्ट्री कॉल, कि कौन जीता है कौन हारा है ये बताने का, ठीक है? तो टू क्लोज टू कॉल मतलब हम ये बोल ही नहीं सकते, हम कॉल नहीं दे सकते कौन जीता है कौन हारा है, बिकॉज वो मार्जिन जो है जीतने हारने की वो बहुत नैरो है। जैसे इलेक्शंस में होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक दो वोट का डिफरेंस है, देन वो सिचुएशन, दैट सिचुएशन इज टू क्लोज टू कॉल। रनिंग रेस में होता है बहुत बार, हमने देखा होगा जो हमारे एथलीट्स होते हैं वहां पर भी बहुत बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है विच इज टू क्लोज टू कॉल, राइट? क्विकली हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे। यस, ओके, क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा, सिमिलर वर्ड पूछा है, किसका? इम्पायस का। ओके, इम्पायस का हमें चाहिए। पायस मतलब समथिंग जो अच्छा है, पवित्र है, जिसे हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो इम्पायस मतलब हो गया कि जो पवित्र नहीं है, जो फिर जो बुरा है। ओके, तो इसका क्या होगा? इररिलीजियस इज द सिनोनिम फॉर दिस। इररिलीजियस मतलब वो रिलीजन को नहीं मानता है। तो ये पर्टिकुलर वर्ड में इसका आंसर होगा इररिलीजियस, जो हमको दिए गए ना उसमें इसका आंसर होगा इररिलीजियस। ओके, डिवोट होगा कि नहीं? डिवोट मतलब भक्त। लॉयल होगा तो नहीं होगा, स्किल्ड होगा तो नहीं होगा, राइट? स्किल्ड, लॉयल, ये दोनों पॉजिटिव है, राइट? क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके, क्या दिया हमको? जो अंडरलाइन सेंटेंस है उसमें देखने का कोई इसको चेंज करने की जरूरत है क्या? ओके, इसका सब्स्टिट्यूट कुछ हो सकता है क्या? क्या दिया गया? Tommy's eyes grew wide on a sight of the new bicycle. Okay, on a sight. Now, यहाँ पे हमें पता है specific किस bicycle की बात की जा रही है, जो bicycle Tommy ने देखी थी, right? तो यहाँ पे जो हमना sentence हम लोग phrase use करेंगे, that will be at the sight of. This is the correct word. ना कि on a sight of. It is correctly at the sight of. Okay, quickly हम लोग next question देखेंगे। ये काफी सिंपल है, बहुत बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं, ठीक है? 19 का स्पेलिंग NINETEEN है, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग। बहुत लोग उसमें NINTTEN कर भी सकते हैं, ठीक है? कुछ कुछ ई माइनस कर देते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट इज NINETTEEN। तो आप बेसिक सारे वर्ड्स, 13 का भी एक बार स्पेलिंग देख लो, ठीक है? 12 का भी एक बार देख लो, ठीक है? ये छोटे छोटे से हमें लगती है कि हमें आती है, बट हम लोग बहुत बार बिकॉज एग्जाम प्रेशर में गलती कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स देख लेना एक बार। ओके, क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके, क्या दिया है? ग्रे हाउंड्स डू नॉट मेक गुड वॉच डॉग्स बट दे आर वेरी जेंटल विद चिल्ड्रन, ठीक है? ग्रे हाउंड्स क्या है? ये डॉग्स है, ओके? डॉग का ब्रीड है। बोला जा रहा है कि अच्छे वॉच डॉग्स नहीं, अच्छे वॉच डॉग्स का काम नहीं कर सकते, बट दे आर वेरी जेंटल विद चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ये जो अंडरलाइन वर्ड है, ये अंडरलाइन जो हमें को एक दिया गया है, उसमें क्या चेंजेस होने की जरूरत है क्या? दैट इज द पॉइंट। तो इसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं, बिकॉज जेंटल के साथ हमारा जो प्रिपोजिशन है वो विथ करेक्ट है,
जेंटल के साथ विथ जाते हैं, ठीक है। बहुत बार हम लोग जेंटल के साथ बाकी प्रपोजिशंस यूज करने की कोशिश करते हैं, तो नहीं, जेंटल के साथ हम लोग विथ यूज करेंगे, ठीक है। जेंटल विथ चिल्ड्रन, ना कि जेंटल टू चिल्ड्रन, तो विथ इज करेक्ट, तो ये करेक्ट है। सो आर आंसर विल बी नो चेंज, ओके, नो चेंज होगा। क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओके, अभी हमको दिया गया एंटोनिम ढूंढना, ठीक है। ग्ली का एंटोनिम पूछा गया हम लोग से, ग्ली का पूछा है, ठीक है। तो ग्ली का एंटोनिम क्या होगा यहां पे, इट विल बी बी, वो ऑपोजिट वर्ड पूछा है, ठीक है। यहां पे हमें ऑपोजिट वर्ड पूछा हुआ है, ओके। तो ग्ली मतलब इज हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, वो इज ऑपोजिट ऑफ दैट, ठीक है, इट इज सैडनेस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्विकली। क्या दिया, इट हैज बीन अनाउंसिंग दैट द बस विल बी लेट बाय एन आवर। तो ये अनाउंसिंग नहीं होगा, इट शुड बी, इट हैज बीन अनाउंस्ड, ईडी फॉर्म आना चाहिए इसका, राइट। इट हैज बीन अनाउंस्ड, ये अनाउंस हो चुका है, तो इट इज, इट हैज बीन अनाउंस्ड, ना कि इट हैज बीन अनाउंसिंग, ओके, क्योंकि पास्ट टेंस में है, तो अनाउंस्ड यूज होना चाहिए, ना कि आईएनजी, ओके। क्विकली हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ओके, द ट्रैवल एजेंट इज मेकिंग द अरेंजमेंट फ्रॉम माय शिप। तो ट्रैवल अरेंज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो ट्रैवल एजेंट है ना, ही इज मेकिंग द अरेंजमेंट फ्रॉम माय ट्रिप्स, नहीं होगा फॉर माय ट्रिप्स होगा, फॉर माय ट्रिप्स होता है, राइट, मेरे ट्रिप्स के लिए, राइट। तो दिस इज द आंसर, बाकी सब सही है, तो इसे हम लोग आंसर नहीं कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, देखो, बैक्टीरिया इज आर एक्सट्रीमली डैश लिविंग थिंग्स। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, अगले होते हैं क्या, स्मॉल होते हैं क्या, क्लीन होते हैं कि डर्टी होते हैं, हमें क्या पता क्लीन रहते हैं कि डर्टी रहते हो, हमें ये पता है कि वो बहुत स्मॉल है, बैक्टीरिया आर स्मॉल लिविंग थिंग, ओके। अभी देखो आगे, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो आगे पढ़ के देख लेना, स्मॉल क्यों, वेल वी मेजर आवर ओन साइजेस इन इंचेस और सेंटीमीटर्स, बैक्टीरियल साइज इज मेजर्ड इन, मतलब हमें ये पता है बैक्टीरिया छोटा होता है, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी कभी कभी लगा देगा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे साइज की बात की है, इंचेस एंड सेंटीमीटर, तो बैक्टीरिया ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा, राइट। हम लोग क्विकली नेक्स्ट देखेंगे अभी। देखो इसका आंसर, बैक्टीरिया ये तो हमें पता है स्मॉल हो गया, व्हाइल वी मेजर आवर ओन साइज इन इंचेस और सेंटीमीटर्स, बैक्टीरियल साइज इज मेजर्ड इन, क्या फीट में बैक्टीरिया मेजर करेंगे, नहीं, किलोमीटर में करेंगे, मीटर में करेंगे, नहीं, माइक्रोन्स में करेंगे, किस में करेंगे, माइक्रोन्स। नाउ नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्विकली। ओके, क्या दिया है, वन माइक्रोन इज थाउजेंड ऑफ अ मिलीमीटर, एक मिलीमीटर का जो थाउजेंड पार्ट होता है उसे हम लोग वन माइक्रोन बोलते हैं, कितना छोटा है। देखो, अ पिनहेड इज अबाउट अ मिलीमीटर असाइड बीनिथ अक्रॉस बिसाइड, नहीं, एक पिनहेड जो होता है ना, पिन का जो हेड होता है, एक छोटा सा हेड, वो कितना है, वो एक मिलीमीटर अक्रॉस होता है, अक्रॉस मतलब उसका लेंथ, अक्रॉस, ठीक है। हमने प्रीपोजिशंस में देखे कि अक्रॉस कब यूज होता है, जब हम लोग लेंथ देखते हैं, ठीक है। क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अभी। ओके, रॉड शेप बैक्टीरियाज आर यूजुअली फॉर्म 2 to 4 माइक्रॉन्स, ठीक है। आगे क्या आएगा, जो रॉड से बैक्टीरियाज होते हैं, देखो रॉड जैसा शेप है, ठीक है, यूजुअली कितना होता है, फ्रॉम 2 to 4 माइक्रोन, उनका क्या होता है, लॉन्ग होते, टॉल होते, शॉर्ट होते, डीप होते, ठीक है। रॉड शेप है तो वील यूज लॉन्ग, लॉन्ग होते हो, कितना, 2 to 4 माइक्रॉन्स, वेल राउंड वंस आर, राउंड वंस का क्या सीन है देखते हैं अभी हम क्विकली। ओके, कह दिया, वाइल राउंड वंस आर जनरली 1 माइक्रोन इन, अभी राउंड बोला,
तो क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते, वेट आएगा, हाइट आएगा, डेप्थ आएगा कि डायमीटर आएगा। अगर राउंड की बात कर रहे हैं तो हम लोग डायमीटर की ही बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहां पे आएगा देयर वन माइक्रोन इन डायमीटर। ओके, आई होप ये समझ गए आप। क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है, द डायमंड नेकलेस इज टू डैश फॉर मी। क्या इट इज टू डैश फॉर मी, क्या है वो? एक्स्ट्रावेगेंट है। क्या एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है? बहुत ज्यादा महंगा, बहुत ज्यादा महंगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं डायमंड नेकलेस की बात करें तो इवेंचुअली ये एक्स्ट्रावेगेंट ही बनेगा यहां पर, ठीक है? तो एक्स्ट्रावेगेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑस्टियर होगा तो नहीं, लूशियस होगा तो नहीं, इनसफिशियंट होगा तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखो ईडीएम क्या दिया, ईडीएम बोल रहा है गेट समवंस गोट, किसी की बकरी चुराना। मतलब क्या होता है, मतलब क्या करना होता है बेसिकली? इसका मतलब होता है किसी को इरिटेट मत करो, ठीक है? उसकी बकरी लेके आओगे तो इरिटेट हो जाएगा, उसको कोई इंपॉर्टेंट चीज लेके आ जाओगे तो इरिटेट हो जाएगा, राइट? ऐसे इमेजिन करो। तो गेट समवंस गोट मतलब टू इरिटेट समवन होता है, ना कि टू हर्ट समवन होता है, टू चीट समवन होता है, टू अब्यूज होता है। इरिटेट मतलब उसको गुस्सा दिलाने का काम करने का, ठीक है? उसको चिढ़ाने का उसको बेसिकली। ओके, क्विकली हम लोग नेक्स्ट इसमें जाएंगे। ठीक है, जो स्टैम्प कलेक्ट करता है ना उसके लिए वन वर्ड क्या है? फिलेटेलिस्ट, फिलेटेलिस्ट, ठीक है? इसको हम लोग फिलेटेलिस्ट बोलते हैं, राइट? जियोलॉजिस्ट नहीं बोलते हैं। कॉन्ज्यूरर, कॉन्ज्यूरर मतलब जो मैजिक करता है वो। क्यूरेटर मतलब जो संभालता है, जैसे लाइब्रेरी या फिर जो बड़े बड़े अपने म्यूजियम्स होते हैं ना, म्यूजियम्स के क्यूरेटर्स होते हैं जो संभालते हैं। जियोलॉजिस्ट मतलब जो अर्थ के रिगार्डिंग है, कॉन्ज्यूरर मतलब जो मैजिक करते हैं, राइट? और वैसे ही क्यूरेटर मतलब जो चीजें संभालते हैं, ठीक है? जैसे लाइब्रेरीज को या म्यूजियम्स को संभालने वाले को हम लोग क्यूरेटर बोलते हैं। तो इसका नाम है फिलेटेलिस्ट। ओके, क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखो क्या दिया है कि करेक्ट हमको फिल इन द ब्लैंक करने का है। अभी यहां पे ध्यान दो किस तरीके से हमको समझना है। क्या दिया है, देयर वाज अ हीटेड डिस्कशन डैश टू मेंबर्स ऑफ द क्लब। अभी हमें एक पता है कि यहां पे कोई ना कोई प्रपोजिशन आएगा, ठीक है? और यहां पे ये भी दिया गया कि टू मेंबर्स थे, तो यहां पे दो ही ऑप्शन रह गए, एक तो अमंग होगा या बिटवीन होगा। तो बिटवीन कब यूज होता है, जब दो लोगों के बीच में बात होगी, ठीक है? द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू सन्स, बिटवीन हिज टू सन्स। तो यहां पे दो लोग हैं तो बिटवीन यूज होगा। ओके, और अमंग कब यूज होता है, जब दो से ज्यादा रहते हैं। द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज मेनी सन्स, तो दो से ज्यादा हो गए तब हम लोग अमंग यूज करते हैं। तो यहां पे टू है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, मेरे को बताओ? क्या बिटवीन आंसर आएगा यहां पे? तो दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट? क्विकली देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अट्रैक्ट का एंटोनिम पूछा है। अट्रैक्ट मतलब किसी को नजदीक करना, ठीक है? या फिर किसी को खींचना अपने तरफ, राइट? उसमें हम लोग कहते हैं अट्रैक्ट। इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा? प्रेज होगा, नहीं। प्रेज मतलब किसी का स्तुति करना, नहीं होगा। लर होगा, नहीं। लर होना किसी को अपने तरफ आकर्षित करना, ये भी नहीं होगा। रिपेल होगा, यस। रिपेल करना मतलब किसी से दूर जाना, जैसे मैग्नेट एक दूसरे से रिपेल होता है ना, मैग्नेट के सेम सेम पोल रहेंगे तो रिपेल होते हैं, ऑपोजिट पोल आएंगे तो अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्ट का एंटोनिम होता है रिपेल। ओके, मतलब दूर जाना। चलो नेक्स्ट देखो। ओके, क्या दिया है, सिनोनिम ढूंढने का है। सिनोनिम किसका ढूंढना है? सिनोनिम प्रोडिजी का। प्रोडिजी मतलब एक छोटा बच्चा, बच्चा भी हम बोल सकते हैं, या एक छोटा आदमी एज में कम, ठीक है? एक बच्चा या लड़का जो जिसके बहुत बहुत नॉलेज है और वो किसी के लिए काम कर रहा है, किसी के अंडर ट्रेनिंग ले रहा है, उसे हम लोग कहेंगे प्रोडिजी, ठीक है? तो प्रोडिजी का सिनोनिम क्या होगा? ट्रैंक्विल होगा। ट्रैंक्विल मतलब पीस, तो ये तो नहीं होगा। एंगर कुछ लेना देना नहीं। प्लाइट मतलब किसी का दुख, ये भी नहीं होगा। जीनियस, ऑब्वियसली जीनियस इससे मैच होता है, तो जीनियस इज द वर्ड। प्रोडिजी मतलब जीनियस, इतना याद रखना। ओके, क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।
बेसिक आर्टिकल का क्वेश्चन है, एकदम आर्टिकल। अगर आपने आर्टिकल ठीक से किए होंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। इट वॉज डैश ऑनर ऑफ सीमा टू बी सिलेक्टेड एज अ टीचर। क्या अ ऑनर, एन ऑनर, नो आर्टिकल, द? तो हमें पता है कि ऑनर जो होता है ना, वो जो साउंड रहता है ना, अ वाला रहता है, ठीक है, ओ वाला या आ वाला साउंड होता है, राइट? तो अ वाला साउंड होगा, तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, क्योंकि वॉवल साउंड है तो हम लोग एन यूज करेंगे, एन ऑनर, अ। हॉनर नहीं होता, ऑनर होता है, अ का साउंड करके हम लोग आर्टिकल एन यूज करेंगे यहां पे, राइट? चलो, यस यस, करो इसको सॉल्व। क्या दिया, सीमा वॉज स्प्रिंकल्ड द कैश्यूज ओवर द पाई टू गार्निश इट। ठीक है, एक पाई था, पाई मतलब एक केक जैसा डिश होता है, राइट? उसके ऊपर सीमा ने क्या किया, शी स्प्रिंकल्ड कैश्यू टू गार्निश। गार्निश मतलब उसको उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चीजें डाल दी थी ताकि वो डिश का खूबसूरती भी बढ़ाए और अच्छे से प्रेजेंटेबल हो जाए, ठीक है, कोई भी डिश को। तो गार्निश करने के लिए उसने कैश्यूज डाले, तो क्या सीमा वॉज स्प्रिंकल्ड आएगा? ये तो गलत हो गया ना, ये सेंटेंस ही गलत हो रहा है। सीमा हैज स्प्रिंकल्ड, सीमा हैज स्प्रिंकल्ड द कैश्यूज ओवर द पाई टू गार्निश इट। तो क्या गलत होगा यहाँ पे, सीमा वॉश नहीं होगा, दिस इज द आंसर। ये वॉश की जगह हैज होना चाहिए, सीमा हैज स्प्रिंकल्ड। ओके, क्विकली ठीक, क्या दिया, सीमा वॉज रिलैक्सिंग इन द बीच एट दिस टाइम यस्टरडे। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर हम बीच पे है, बीच, तो बीच पे अगर आप कुछ कर रहे हो तो यहां पे प्रीपोजिशन ऑन होगा या इन होगा? तो यहां पे जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है ऑन। तो पल्लवी वॉज रिलैक्सिंग ऑन द बीच एट दिस टाइम टूडे। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे रिलैक्सिंग इन है ना, दिस इज आवर आंसर, क्योंकि इसमें गलती है, राइट? क्विकली हम नेक्स्ट देखेंगे। देखो क्या लिखा है, द इसरो टीम इज वर्किंग राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरा टाइम काम कर रहे हैं। डैश चंद्रयान, तो चंद्रयान को क्या करने के लिए काम कर रहे हैं? चंद्रयान मतलब तो चांद पे गया, तो इसको इंट्रोड्यूस करना ही नहीं, इंट्रोड्यूस तो हो गया, नाम पता है। लॉन्च करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लॉन्च करना मतलब उसको आसमान में उड़ाना, ठीक है? तो लॉन्च करने के लिए इसरो का टीम है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है, राइट? बहुत टाइम काम कर रहा है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, लास्ट है हमारा, क्विकली, यस। ओके, जब फिश साथ में स्विम करता है ना, फिश, बहुत सारा फिश साथ में स्विम करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं शोल, शोल, ठीक है, शोल बोलते हैं उसको। पैक किसका होता है? पैक वुल्फ्स का होता है। हर्ड किसका होता है? इन जनरल कैटल्स जो होते हैं ना, गाय, बफेलो, काउज एंड उन सबको जब साथ में रखते हैं हम लोग, ऑक्स, इनको हम लोग हर्ड बोलते हैं, बफेलोस को, राइट? तो यहां पर आंसर आएगा शोल। ओके, तो शोल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चंस हमने किए आज, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ कुछ जगहों पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ओके, अभी हमारा प्रैक्टिस का टाइम है, एक्सप्लेनेशन का नहीं, तो अभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, और जहां जरूरत है मैं वहां पे एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, यहां पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होगा। ठीक है, विद दैट आई विल एंड हियर, हम लोग कल मिलेंगे, थैंक यू।